छत्तीसगढ़ में पहली बार रोबोट असिस्टेंट सर्जरी चार और जनरेशन की, यानी कि ये जो सर्जरी है इसकी चौथी जनरेशन की शुरुआत रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में हुई, जो कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे मध्य भारत में पहली ऐसी तकनीक होगी जहां एक्सपर्ट किसी रोबोट के माध्यम से सर्जरी करेंगे। साथ ही इसकी खासियत ये भी है कि प्रिसीजन के साथ साथ इसमें मरीजों को कम से कम यहाँ चीरा लगेगा, वही ब्लड कम बहने से रिकवरी जल्दी होगी। रोबोटिक एक्सीडेंट सर्जरी सिस्टम के शुभारंभ के दौरान रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के मैनेजिंग और मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप दवे के साथ नीलेश गुप्ता एवी ऑपरेशन में भी मौजूद रहे। इसमें तीन मेन अंग होते हैं, एक पेशेंट का हार्ट होती है जिसके कि चार हाथ होते हैं, चार आर्म्स होती है। उन चार आर्म्स में से एक आर्म में कैमरा जाता है, बाकी तीन से आप अपने औजार पेट के अंदर डाल सकते हैं। एक सर्जन कंसोल होता है जिसके अंदर आप, जिसमें सर्जन बैठता है और वहाँ पर देख के वो ऑपरेशन, वो जो रोबोट है उसको चलाता है। असिस्टेंट्स के लिए और कॉटरी के लिए एक तीसरी एक और विंग, एक और इक्विपमेंट होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंसफ्लेटर, कॉटरी और असिस्टेंट के लिए एक स्क्रीन लगी रहती है और असिस्टेंट उसमें बैठ के सर्जन जैसा बोलता है, जो भी सहायता सर्जन को लगती है, कैमरे को अगर स्थिर करना है, आपको दूसरे तरीके फिक्स करना है, कैमरा साफ करना है, तो असिस्टेंट वहाँ बैठ के वो सब कर सकता है।